Hey जैसा कि हमें पता है डीबीटी यानी कि बेट की डेट्स आ चुकी है जो कि अप्रैल में है अब अगर हम देखें हमारे पास टोटल डेज है आसपास और इन डेज में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और डीबीटी का अगर हम सिलेबस देखें तो छोटा सिलेबस नहीं है बहुत बड़ा सिलेबस है डीबीटी का तो दोनों चीजें यहाँ पे करना दिमाग में मिक्सअप होने से बचाना और अच्छे से प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है तो इस कंडीशन में तुम लोग क्या कर सकते हो इस कंडीशन में तुम लोग कर सकते हो स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी के लिए मैं आपको टोटल दो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आपके मार्क्स जो होते हैं डीबीटी में बहुत अच्छे आ सकते हैं सबसे पहली चीज तो है देखिए आप सभी ने अभी अभी सीएसआईआर का एग्जाम दिया होगा सीएसआईआर का पेपर अब भी हो क्या चुका अगर आप डीबीटी का और सीएसआईआर का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो दोनों का सेम है तो आप इसमें क्या कर सकते हो आप इसमें सीएसआईआर में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है ना उसकी हेल्प ले सकते हो फिफ्टी परसेंट तो से जितनी भी चीजें उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए सबसे पहला तो आपका इसी में ही काफी पोर्शन कवर हो जाएगा सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो तो अगर हम सेक्शन ए में देखें तो फिर उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड भी मिलता है और बायोलॉजी भी मिलता है तो बायोलॉजी का वही पोर्शन मेनली आता है जो सी का पोर्शन है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे उसी के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो तो वैसे जो जनरल एप्टीट्यूड आपने सीएसआईआर के लिए भी किया था तो जनरल एप्टीट्यूड के साथ जा सकते हो उसमें केमिस्ट्री वगैरह भी आता है लेकिन अगर आपके पास आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि अब आप उसको पढ़ते हुए मत मत जाइए जनरल एप्टीट्यूड कर लीजिए क्योंकि वो भी सीएसआईआर में था और उसी के साथ साथ सेक्शन ए का जो बेसिक वाला पोर्शन है वो आपका सीएसआईआर से हो ही जाएगा अब बात आती है सेक्शन बी की सेक्शन बी में आते डेढ़ सौ क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी अटेम्प्ट करने होते हैं सेम उस उसपे भी यही वाली बात होगी सीएसआईआर वाले जो टॉपिक्स है वो इधर भी आएंगे तो वो आपका फायदा हो गया कुछ टॉपिक्स और अगर आपको करने पड़ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये देखिए सीएसआईआर के अलावा जो यूनिट्स बची हुई हैं उनमें से आपकी कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें से भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं ना आप उनको पढ़ के जाइए आप उनको आराम से टाइम दे सकते हो कि आपको सिर्फ सी का पोर्शन रिवाइज करना है थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना और न्यू यूनिट्स कुछ कुछ पढ़नी है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आना है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको 150 के 150 सौ क्वेश्चन अटैम्प नहीं करने हैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कम्पल्सरी होते हैं पर अगर आप उसमें जनरल एप्टीट्यूड और बायोलॉजी बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो हो जाएगा क्योंकि लिए केमिस्ट्री अब करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी तो इस तरीके से आप थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं ये टाइम पूरा स्मार्ट स्टडी का है तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके उनको क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए स्पेशली अगर आपने सीएसआईआर दिया तो एक बार खुद सॉल्व करके देखिए और देखिए कि आपके उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ सके कि सीएसआईआर का आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है तो डायरेक्ट एक बार एक पेपर लगा के देखिए और उसमें देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए अगर आपको लग रहा है कि आपको न्यू यूनिट्स और कवर करने की जरूरत है तो देखिए कितनी यूनिट कवर करनी पड़ेगी कितनी यूनिट्स ऐसी है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन यूनिट्स को कवर करके चलिएगा रिवाइज बहुत कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस डीबीटी के ज्यादा से ज्यादा पेपर्स लगाइएगा और उसके बाद देखिए कि आपके मार्क्स बन जाएंगे अच्छे सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज ये ट्राई करके देखिए आई होप कि आप सभी जो है डीबीटी का एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे थैंक यू सो मच गाइज बोबाटी